तो आज की क्लास में हम लोगों को कोलिजन थ्योरी पढ़ना है। ये आखिरी पार्ट है अपने केमिकल काइनेटिक्स का। मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि जब कभी भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में टकराकर प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें टकराना बहुत जरूरी है, और जब टकराते हैं तो कहीं ना कहीं कोलिजन होता है, कोलिजन बिटवीन द एटम। तो उसी को समझने के लिए बाकायदा एक थ्योरी बनाई गई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन थ्योरी कहते हैं। तो लिखिए, द रिएक्टिंग स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, द रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, द रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कैन गिव प्रोडक्ट्स, कैन गिव प्रोडक्ट्स ओनली इन केस दे कम्स इन कॉन्टैक्ट, ओनली इन केस दे कम्स इन कॉन्टैक्ट, केमिकल रिएक्शन गिव्स प्रोडक्ट ओनली इन केस दे कम्स इन कॉन्टैक्ट, दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर और कोलाइड विथ ईच अदर, और कोलाइड विथ ईच अदर, और कोलाइड विथ ईच अदर, और कोलाइड विथ ईच अदर। यानी कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज जब तक आपस में एक दूसरे से टकराएगी नहीं, जब तक आपस में एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेगी, तब तक इसका प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है। ए और बी अगर रिएक्टेंट है और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, तभी जाकर वो किस में कन्वर्ट होता है, सम सी या सम डी में कन्वर्ट होता है। तो कोलिजन होना बहुत जरूरी है, और कोलिजन होने सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम जगह पर, किसी भी रैंडम पोजीशन में, किसी भी रैंडम ओरिएंटेशन में जाके कोलाइड हो जाएगा तो प्रोडक्ट मिलेगा। एक परफेक्ट ओरिएंटेशन, एक परफेक्ट स्पीड के साथ, एक परफेक्ट एनर्जी के साथ जब दो एटम्स आपस में टकराते हैं तभी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लिख दीजिए, दिस इज कॉल्ड एज कोलिजन थ्योरी ऑफ, लिखें उसी फुल स्टॉप देखें, दिस इज कॉल्ड एज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, दिस इज कॉल्ड एज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। और उसके नीचे ये आप लिख लें, रेट्स, ये बना लिए। इसके नीचे लिखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सब टॉपिक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय जेड, डिनोटेड बाय जेड। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय जेड, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज, बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी बार टकरा रहा है एक सेकेंड में, कंटेनर मानिए आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब ये एक कोलिजन है, ये दो कोलिजन है, ये तीन कोलिजन है, ये चौथा कोलिजन, बहुत सारे कोलिजन हो रहे होंगे। पर यूनिट टाइम यानी एक सेकेंड में नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितने कोलिजन्स हुए इन अ यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम यानी एक लीटर सॉल्यूशन या एक एमएल सॉल्यूशन या 100 एमएल सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड से डिनोट करते हैं।
डन, लिखिए द कोलिजन अमॉन्ग द रिएक्टिंग स्पीसीज मे रिजल्ट, आगे लिखिए द कोलिजन अमॉन्ग द रिएक्टिंग स्पीसीज। अच्छा, आप अपने सिलेबस में अगर देखिएगा तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ओनली एलिमेंट्री आइडिया आपको चाहिए इस टॉपिक का, नो क्वेश्चन, नो न्यूमेरिकल, सिंपली आइडिया होना चाहिए कि कोलिजन थ्योरी क्या है। यानी इससे आपको न्यूमेरिकल कभी भी नहीं पूछेगा, हमेशा सिर्फ क्या पूछेगा आपको, इसके ऊपर थ्योरी ही पूछेगा, एलिमेंट्री बेसिक आइडिया सिर्फ लिखा है। तो जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। लिखिए, आगे लिखिए द कोलिजन अमॉन्ग द रिएक्टिंग स्पीसीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन, इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन, इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो बैरियर को उसको क्रॉस करना पड़ता है, पहला है एनर्जी बैरियर एंड दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। पहला है एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। व्हाट इज एनर्जी बैरियर? एनर्जी बैरियर मतलब स्पीड, स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी, वेयर एज ओरिएंटेशन बैरियर मतलब शेप एंड साइज, और इसका मतलब होता है एक्सियल या नॉन एक्सियल कोलिजन। इसका एग्जाम्पल जो मैंने दिया भी होगा पहले आपको, कि जब कभी मुझे ताली बजानी है तो ताली बजाने के लिए ये ऐसे हाथ टकराना चाहिए, ऐसे टकराएगा तो ताली नहीं बजेगी, ऐसे टकराएगा तो ताली नहीं बजेगी, ऐसे टकराएगा तो ताली नहीं बजेगी, ताली ऐसे बजती है। ताली बजाने के लिए आपको यूं इस प्रकार से हाथ लाना होगा, तो ये ओरिएंटेशन है। प्लस अगर आप चाहते हैं ताली बजा और उससे प्रोडक्ट बने तो स्पीड भी परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे बजा दिए तो भी अगर आवाज निकालनी है तो एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही एक दूसरे के पास लाना होगा। धीरे से भी लाएंगे तो भी आवाज नहीं निकलेगा, बहुत तेज लाइएगा तो भी हो सकता है शायद आवाज ना निकले, एक पर्टिकुलर स्पीड पर लाना होगा। यानी यहां पे एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर, इन दोनों फैक्टर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना होगा इन ऑर्डर टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बेसिस पर जो फॉर्मूला बनता है उसको अब हम लोग लिख रहे हैं, राइट? सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं करना है। लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू जेड टाइम एफ, जेड टाइम एफ, वेयर एफ इज व्हाट? एफ इज इक्वल टू e raised to the power minus ea by rt। ये एक्सप्रेशन आपने लिखा हुआ है, कब लिखे थे? जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख रहे थे तो वहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म में आपने ये ऑर्डर, ये एक्सप्रेशन लिखा था, ध्यान है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल देखिए एक बार कॉपी में लिखा हुआ है आपके, देखिए ये आपने लिखा है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने ऐसा करके टॉपिक डाल के आपको लिखवाया होगा। देखिए ऐसा कुछ टॉपिक लिखे हैं क्या आप? लिखे ना, तो एफ ऐसा आ गया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या मैं जेड टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी लिख सकते हैं क्या? देखिए तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वेयर जेड इज व्हाट? जेड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितने इफेक्टिव कोलिजन उसके आसपास हो रहे हैं। डन। ये तब जबकि आपने सिर्फ किसको कंसीडर किया है, नंबर ऑफ कोलिजन्स को, पर आपको पता है कि नंबर ऑफ कोलिजन ही सिर्फ नहीं कंसीडर करना है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कंसीडर करना है। और जब आप इफेक्टिव कोलिजन वाले फैक्टर को कंसीडर करेंगे, लिख लीजिए कंसीडरिंग
कंसिडरिंग द कोलिजन अलॉन्ग विथ ओरिएंटेशन फैक्टर, तो आपका जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू पी जेड ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी माइनस ई ए बाई आर टी वेयर पी इज ओरिएंटेशन फैक्टर, यह है कोलिजन फैक्टर और यह है ओरिएंटेशन फैक्टर, डन। तो ये आपका रेट निकल के आ गया, हेडिंग डालिए आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा एनर्जी बैरियर क्या होता है ये जानते हैं ना, व्हाट इज एनर्जी बैरियर, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं जानते हैं, बस एक छोटा सा ग्राफ वहां पे बना लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। वैसे तो मैंने पढ़ाया था इक्विलिब्रियम चैप्टर में, मुझे अच्छे से याद है, पर अगर आपको नहीं याद है तो देख लीजिए। मैंने बताया था ये रिएक्टेंट है और ग्राफ ऐसे बनाया था, ये प्रोडक्ट, इसकी एनर्जी ई आर के बराबर है और इसकी एनर्जी ई पी के बराबर है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देते हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट द रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस ई ए इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने जो अभी फिलहाल ग्राफ बनाया है वो एक्सोथर्मिक का है, एक्सोथर्मिक का है। कैसे पता चला एक्सोथर्मिक है, बिकॉज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जब आप रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में, इस तरफ की एनर्जी ज़्यादा है और इस तरफ की एनर्जी कम है, तो ऑब्वियसली कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का है और ये जो एनर्जी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी का एंडोथर्मिक होगा तो कैसा होगा, ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, याद है, अब याद आ गया होगा शायद, मैंने इसको पढ़ाया था, अभी आपने हेडिंग डाला है आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। तो लिख लीजिए आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, सरल सा इक्वेशन है। लिखिए के इज प्रपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब इस के को जब आप इज इक्वल टू में बदलेंगे तो चूंकि आर्हेनियस का इक्वेशन है तो आर्हेनियस फैक्टर आएगा, यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो है आर्हेनियस कांस्टेंट आएगा, और ये जो आपका बन गया इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। लिख लीजिए दिस इज कॉल्ड एज आर्हेनियस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज आर्हेनियस हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर आता है आर्हेनियस इक्वेशन, एंड ए इज आर्हेनियस कांस्टेंट, कांस्टेंट, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसी को क्या जानते हैं, ए इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब इसमें दोनों ही कंसीडर हो गए, कौन कौन से, कोलिजन वाला भी और स्पीड वाला भी, दोनों ही यहाँ पे क्या हो गया, कंसीडर हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं, चलो अभी देखें।
आप लोग ये इक्वेशन जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखे थे तो ये आपने लिखा था, अच्छा नहीं लिखा था तो अभी देखिए आपके पास क्या है, k इज इक्वल टू ई ए ई रेस्ट पर माइनस ई ए बाई आर टी है, टेकिंग एल एन बोथ दी साइड, लिखिए डेरिवेशन करते चलिए, टेकिंग एल एन बोथ दी साइड्स, अब दोनों साइड क्या ले लीजिए, एल एन ले लीजिए। अच्छा आर्हेनियस इक्वेशन की खास बात क्या है, आपने अभी तक जितना भी रेट निकाला है उन सब में आपने जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे आपने टाइम का टर्म लिखा था और कंसंट्रेशन का टर्म लिखा था, और हर एक बार जब आप रेट लिखते थे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर का कोई रिलेशन रेट के साथ आपको पता नहीं था। आर्हेनियस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने रेट का रिलेशनशिप किसके साथ स्टैब्लिश किया, टेम्परेचर के साथ। यहां पर के इज रेट कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर, रेट कॉन्स्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, आर्हेनियस था, इसलिए इनको बहुत क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट का क्या होगा। आप अभी तक जितनी बार भी लिखे हैं रेट कांस्टेंट उस हर जगह पर आपने ये जरूर लिख दिया है कि रेट कांस्टेंट चेंज होता है अलग अलग टेम्परेचर पे। सेम इक्वेशन के लिए यानी सेम रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बदल दीजिएगा तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, तो अगर टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई डिपेंडेंसी होगी, उस डिपेंडेंसी को किसने निकाला, आर्हेनियस ने निकाला। Taking ln both the side, आप क्या लिख दीजिए, इधर ln ले लीजिए, इधर भी ln ले लीजिए, लिखिए ln k is equal to ln a e raised to the power minus e a by rt, कोई दिक्कत? अच्छा आप जानते हैं ln a into b अगर लिखा रहता है तो ln a plus ln b लिख सकते हैं, यानी ln a plus ln e raised to the power minus e a by rt लिख सकते हैं। अच्छा ये वन हो जाएगा क्या, क्योंकि ln के भी बेस में e होता है, नंबर और बेस जब ई होगा तो ये वन हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन ए और ये क्वांटिटी सामने आ जाएगी ई ए बाई आर टी। अच्छा इसको इधर ले आते हैं या इसको उधर ले जाते हैं, जो भी करिए कुछ तो एक कर सकते हैं, एल एन के, अच्छा एक तो इक्वेशन यही लिख लीजिए, एक इक्वेशन तो यही लिख लीजिए क्योंकि इसके ऊपर भी एक ग्राफ पूछा है, इसके ऊपर भी एक ग्राफ पड़ता है, ग्राफ एल एन के वर्सेस एल एन ए, एक मिनट, हाँ एक ग्राफ है लॉग के वर्सेस टी का, एक मिनट, अब ये एलएन आ गया, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं एलएन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ से आप लिखेंगे लॉग के इज इक्वल टू log a 2.303 नीचे ले आ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा ई ए बाई 2.303 आर टी के बराबर, और इसको भी एक इक्वेशन आप, इसको भी ऐसे करके आप एक इक्वेशन बना लीजिए, ये भी एक इक्वेशन। आपसे सवाल पूछता है log k वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ बनाइए, क्या पूछा है log k वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ, log k वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ, तो बन जाएगा काफ़ी आसानी से, कैसे देखिए, अभी आपने लिखा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए होल डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, y इज इक्वल टू 1 बाई टी यानी एम एक्स, और ये सी है पर ये माइनस साइन है तो मैं ऐसे रख देता हूँ, तो यहाँ से एक तो समझ में आ गया कि इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव यानी ग्राफ तो ऐसा होगा और स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि वाई इज इक्वल टू एम एक्स ही जा रहा है, इंटरसेप्ट अगर ये है तो ये वैल्यू इसका होता लॉग ए हो गई, और स्लोप जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई ए बाई 2.303 आर के बराबर, तो ये log k वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ है। डन, बढ़े आगे, नहीं नहीं थोड़ा सा और है,
अब आप ये जानते हैं ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea by rt है, तो अगर मैं दो अलग अलग टाइम पर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर ये लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं ln k1 इज इक्वल टू ln a by ea by rt, और दूसरे टाइम पर जब लिखेंगे जब टेम्परेचर क्या होगा T2 होगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखें, ठीक है, यहां पे कंसिडरेशन है कि जो हमारा T2 है वो T1 से क्या है, बड़ा है। क्या कंसिडरेशन है हमारा? T2 इज ग्रेटर देन T1, बाद वाला जो टेम्परेचर है वो पहले से बड़ा है, तो आप पहले में से दूसरे घटा दी, मतलब सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, तो आप क्या करेंगे, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, दिखाई दे रहा है, मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ये खत्म, ये आएगा, ये तो सामने ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस ई ए बाई आर टी टू, और ये क्या हो जाएगा प्लस ई ए बाई आर टी वन, इसको आप एल एन के टू बाई के वन लिख सकते हैं, और यहां से इसको आगे ले लिया तो ये माइनस ई ए बाई आर को कॉमन ले लूं, और क्या बचेगा, नहीं माइनस को कॉमन लूं या प्लस को कॉमन लूं, प्लस को कॉमन लेंगे तो बचेगा वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू, है ना, और ये आपका क्या हो गया, एक और एक्सप्रेशन आ गया जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के काम में आता है, एल एन के टू बाई की वन इज इक्वल टू ई ए बाई आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। अच्छा, एल एन को लॉग में बदलना हो तो लॉग, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं, लॉग लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू, और ये क्या हो गया आपका, एक इक्वेशन निकल कर आ गई, डन। तो ये इक्वेशन तब यूज में आता है जब दो अलग अलग टेम्परेचर पे लॉग, अब आप में कितना वेरिएबल है, एक दो तीन चार, चार में से कोई तीन दिया रहेगा चौथा निकल जाएगा, पर यहाँ पे एंटी लॉग वगैरह लगता है, लॉग दिया है तो भाई एंटी लॉग लगेगा। एक आध सवाल करते हैं और फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, राइट, लिखिए द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द सेम ऑर्डर हैव इक्वल एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, हैव इक्वल एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, द रिएक्शन ऑफ द सेम ऑर्डर हैव इक्वल एक्सपोनेंशियल फैक्टर बट देयर एक्टिवेशन एनर्जीज डिफर बाई 24.9 किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी डिफर बाय, एक्टिवेशन एनर्जी डिफर बाय 24.9 जूल, किलो जूल मोल इनवर्स, ये डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब के टू बाई के वन, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब के टू बाई के वन एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस, आर की वैल्यू 8.314, आर इज इक्वल टू 8.314 किलो जूल, यूनिट जरूर लिख लीजिएगा, सॉरी जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, याद भी रखिएगा कि ये यूनिट हम लोग कब लेते हैं। अब आप इसके सॉल्यूशन पार्ट में जाइए, तो आप लिखेंगे लॉग के टू इज इक्वल टू
log a minus e a 2 by 2.303 r t 2 और log k 1 is equal to log a minus e a 1 by 2.303 r t 1। पर इसने टेम्परेचर के बारे में कहा है कि दोनों टेम्परेचर क्या है, सेम है 27 डिग्री सेल्सियस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इन दोनों को माइनस कर दीजिए, लॉग के टू बाई के वन ये तो कट जाना है, और इस तरफ क्या आना है, ये बाई 2.303 आर, तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा ई ए वन माइनस ई ए टू दिस बाई दिस, और ब्रैकेट में आ जाना है, फिर वो तो ख़त्म हो जाएगा 1 बाई, तो ये ख़त्म हो जाएगा ना शायद, हाँ लेना तो केल्विन में ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा टी, बस सॉल्व कर दीजिए, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यूज को पुट करिएगा, रेशियो निकालना है, तो लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए वन माइनस ई ए टू का वैल्यू शायद आपको दिया हुआ था, कितना दिया था, 29.4 होल डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 24.9 है, अच्छा 24.9 और के टू बाई के वन कौन सा, हाँ तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि नीचे जूल है ना, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और ये आ जाएगा एंटी लॉग। इसको सॉल्व करने पर आता है 4.32, और ये आ जाएगा के टू बाई के वन इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.32 होता है 2.198 इंटू 10^4। तो आपको रेशियो पूछा था, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रेशियो ही पूछा था ना आपको, तो एक सवाल कर लीजिए और उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा ये सवाल हमेशा किसके लिए पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि जो हमने के इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस ई बाई आर टी लिखा उसके लिखा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये याद रखिएगा कि ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही लिखा जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the rate constant for first order reaction, the rate constant for first order reaction becomes six times, छह गुना हो जाएगा, six times when the temperature is raised from, when temperature is raised from three fifty to four hundred Kelvin. Calculate activation energy of the reaction. Calculate EA. आपको क्या calculate करना है? Calculate EA. Solve कीजिए. फॉर्मूला, लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, के बिकम्स सिक्स टाइम्स, तो अगली लाइन पे आप लिख सकते हैं लॉग 6K1/K1 इज इक्वल टू, ये आपको कैलकुलेट करना है, नीचे 2.303 इंटू आर हो जाएगा 8.314 ब्रैकेट, ऊपर लिखेंगे 350
इंटू 400 सॉरी 400 माइनस 350 डिवाइडेड बाय क्या 350 इंटू 400 यही ना। इसको सॉल्व किया K1 से K1 गया लॉग 6 कितना होता है लॉग 6 इज इक्वल टू 0.7781 इज इक्वल टू EA बाय इन दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या और इधर क्या आ जाएगा 50 वो भी कट जाएगा तो इसको भी काट ही देते हैं 1/7 × 2800 करेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए ना कितना आ रहा है दिया है क्या मल्टीप्लाई करके 19.14 ये वाला 19.14 बस एक ई ए अननोन है निकल जाएगा ई ए इज इक्वल टू क्या आया ई ए इज इक्वल टू 0.7718 इंटू क्या था 19.14 इंटू 2800 और डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा किलो जूल में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई करिएगा डिवाइड करेंगे ई ए इज इक्वल टू जब आप सारा कुछ सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 41.718 किलो जूल मोल इनवर्स ये आपका आंसर आ गया 41.718 टू दिस डन ठीक है। इससे आपका ये चैप्टर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कोलिजन थ्योरी वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके बारे में बस बेसिक एलिमेंट्री आइडिया है फिर भी एक आध छोटा छोटा न्यूमेरिकल कर लिए हैं ताकि अगर कोई इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए तो आप फंसे नहीं हो उसमें। इससे यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये टोटल 10 या 12 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है। अगर आप इसे नहीं देखा है डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके पीछे वाले वीडियो जाके देखिए। और अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।